अच्छा, और सब कुछ इंदा ही कुटना है? सब कुछ इंदा ही ताजा। अच्छा, ईद बाद तब कुटना इंदा दान है? अच्छा, तब दो दो गानी फोड़ने में तब काम पन ना भरती। अच्छा, रात जाएगी ना दिन सकती नहीं लाएगी। हमारे दादाजी यहाँ मिर्चे कूट रहे हैं क्योंकि बार बदली है, सारे काम कर रहे हैं। अभी मेरी टर्न थी, फिर अपने ये चाचा जान इन्होंने किया, और फिर उसके बाद अब दादाजी लगे हैं। राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की जो वीडियो होगी, आज बहुत अच्छी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जैसे कि देसी जो गांव में है, हमारे पहाड़ों में मिर्चे किस तरीके से पीसते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहना, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम जो हरी लाल मिर्च है उसको कैसे पीसते हैं। तो पूरी हम जानकारी उसमें देंगे, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्यों नहीं हम मिक्सी या मशीन में क्यों नहीं हम उसको पीसना चाहिए जो हमारी लाल मिर्च होती है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आपको दिखाते हैं। उखड़ों पिसना फायदा हो दादा कुछ है? फायदा हो कुछ इंदा, मतलब उखड़ों पिसना का फायदा? उखड़ों में सब कुछ पीसे था ना पेटी आपका, मतलब मिक्स छाननी मत, ये ना ये छाननी मारे सब छोड़ी कितनी थी बढ़िया। मिक्सिंग तो फूक जी हो ना दादा, पिपली मतलब इंदा ठीक रो है ना, मतलब इंदिया टेस्ट कुछ अलग आवा ना, अलग क्यों? मिक्सी पीसी भी अलग है ना, मशीनरी अलग, और मतलब चाकी में ना, चाकी में इंदिरा अब तो बहुत कम हो ही उखड़ है ना, कहीं कहीं तो बहुत कम जगह। हाँ, सारे नहीं मतलब नहीं 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 पाली नहीं मतलब कहीं नहीं पूजने माता है, अब ब्याह में उखड़ी तो पूजा जाता। अच्छा, कुंडी है ना, तो मतलब कुछ भी ना, पर मतलब है तो है ना, पर असली आइटम यही है, असली उखड़ी है। अच्छा ना, तो मतलब मैं देखा भी नहीं कहीं, तो मारी एक दो है ना, एक तारे ऐसी आए कि यही मारा से तो बहुत पुराना था था। अच्छा, बहुत पुराना से रिक्चा फेंगा तब लोग लाए थे मेरे से बहुत कम ना रहा। पहली पिपली हल्दी वगैरह ब्याहरी इंदिया करो थे ना, सब कुछ इंदा ही पीसना कुटना ना, सब कुछ दान भी इंदा ही करो थे कुटो थे दान इंदा भी कुटते। अच्छा, तीन तीन गानी कुटो थे, तीन 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 कुटे बुला रखे हमने इसमें। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम इनको पीस दिया है लाल मिर्च को, और आप देखें कितना अच्छे तरीके से पाउडर बन गया। और इसको छानेंगे, जो इसमें मिर्ची बचेगी फिर से हम उसको दोबारा कूटेंगे और अच्छे तरीके से इसका पाउडर बनाएंगे। और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके, आपने पूरी वीडियो में देखा काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। हमारे दादाजी भी बता रहे हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उखड़ में मिर्च कूटने के, या मसाला कुछ भी कूटते हैं तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसमें। पहले दान भी इसी में कूटा जाता था, तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। तो गाइस, इस तरीके से हम इसको छान रहे हैं, जो पतली पतली मिर्ची है वो नीचे, और जो इसके बीज ऊपर आ जाएंगे, और इसके बाद इसको फिर एक बार डालना है। मिक्सिंग तो चल मेरा पता नहीं लग रहा ना, खत्म ही हो जो काम है।
ਦਾਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਾਸਾ ਕੁਨੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੁਨੀ ਲਿਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਚੱਲੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਹੈ अच्छा बूढ़ी बेपी पड़ी नसो मतलब जिस दिन ब्याह तो उस दिन ही अच्छा और सब कुछ इंदा ही कुटना है सब कुछ इंदा ही ताजा अच्छा मतलब पहली मिक्सी वगैरह नहीं होती यार मिक्सी वगैरह पहली चक्की में नहीं कुटो थे दी चक्की को सोच ही जाता हूं हां ग्राटम कुटो थे दी अच्छा और दान भी इंदा ही कुटो थे पहली है दान पहली चक के बंद करना बितर गरम अच्छा हिंदा हां तब फल ना इसमें तब चक के बंद फल ना साथ दा फल ना हां तब जो रियल होने से तब इसमें कुटना अच्छा तब इससे अब कुटो तक खाने ना हां जो बड़ा कुटु से ब्याह का जो से कटाई दो गुंचा तीन दिन की पिस्ता चार कुटु लगनी गरम तक के बन या मारे पड़न से काप दे सो आओ तीन कुटु से मारी बैठे में हर मुसा मुंगरा बनाओ था इधर दो रहे मुंगरा था कुटु से और तेज बात अब कुटना इधर दान है अच्छा तब दो दो गानी फोन से मैं तब काम पर ना बल्कि अच्छा ऐसा आप जाइए कर दूं सकते हैं लाइन कितना किलो दान आज ला इंदा 2 किलो है हमारे दादाजी यहाँ मिर्चे कूट रहे हैं क्योंकि बार बदली है सारे काम कर रहे हैं अभी मेरी टर्न थी फिर अपने ये चाचा जान इन्होंने किया और फिर उसके बाद अब दादाजी लगे हैं और ये हमने पीस दिए इधर और कुछ बची है इधर इसको भी अब पीस ही देंगे अतनी चाहिए पोड़ो ना उसे तो पाउडरी बन जो जो है उसे हानिकारक भी है क्यों उतनी पीपली तो बहुत है नए बच्चे तो कुछ के नहीं होना क्यों दादा पता ये क्या चीज है टूट गई अब है बिल्कुल होगी पतली अब तो ना ना ये रंगे प्राप्तिन देखें जो बढ़िया पतली होगी है ना दादा अब है बढ़िया मिक्स इसलिए नहीं पी रही इसलिए जाना अब बुजुर्ग बड़ी शान है बहुत ही अच्छा देखो ना से एकदम भुजी ऐसा तो हां ते भुजी हो तो से पेली है फूकी हुई हो ना मशीन ने वगैरह प्री को जो से एकदम जमा दूर हो तो सर अच्छा जरा टेस्ट भी बिल्कुल जरा और इसका टेस्ट भी बढ़िया रहेगा ना बढ़िया पाउडर बन गया कुल मिला के क्यों अबे टेस्ट ही होनी से अलग ये तो सुकिन थी तो सुकिन थी तो ऐसे ताकि तुम किसे मना दो अगर सुकी होंगी पिपली हाँ थोड़ी सलाबी जो ही थी है ना देखना पर वही जानी और ਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਪਰਤੀ
दो दो कट्ठी भर ली है, दो दो कट्ठी भर ली और कदें किलो ओली है ना ना किलो है किलो गाइस आपने देखा कि जो लाल मिर्च पहाड़ों में गांव में किस तरीके से पहाड़ी लोग कूटते हैं और किस तरीके से मसाला तैयार करते हैं, तो इसी में हम हमेशा कुछ भी जैसे धनिया हो गया गरम मसाला कुछ भी मसाला अगर कूटना हो तो इसी उखड़ में हम कूटते हैं ब्याह शादियों में, क्योंकि हमारे कुछ हुआ था उसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं तो सब कुछ चीज़ें हम उसी उखड़ में कूटते हैं और इसका एक टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि अगर मशीन में जैसे कि चक्की में हम इनको ले जाते हैं तो बिल्कुल वो मतलब जला देती है, बिल्कुल वो पाउडर बना देती है, जैसे तेल में डालने के बाद तुरंत एकदम ही वो जल जाता है मसाला, और जो ये चीज़ इसमें इसको मिर्ची को कूटा है तो इसमें बहुत अच्छी रहेगी है और आराम से पकेगी भी, उसका टेस्ट भी अलग आएगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छी व्लॉग में अच्छी वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा, राम राम।